हाँ, आज जो है पेज नंबर 4 से स्टडी कराएंगे। कल हमने आपको एनवायरनमेंट में पेज नंबर 1 पढ़ाया, जिसमें एनवायरनमेंट क्या है, कैटेगरीज ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के किन श्रेणियों में बांटा जा सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स यानी कितने घटक होते हैं एनवायरनमेंट का, और उसमें हमने एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया था। एटमॉस्फेयर में जो पांचों लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इसे पढ़ाया। फिर गैसेस जो प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में, इन बातों पर कल तक चर्चा होगी। तो आज चर्चा करते हैं आगे एटमॉस्फेयर के बाद हाइड्रोस्फेयर से। तो शेयरिंग द स्क्रीन। हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल। जलमंडल एज यूजली इस टर्म को तो आप समझ रहे हैं, साधारण रूप से कहा जाए भी जल की जहाँ पृथ्वी पे जितने जिन जिन स्थानों पे जल है, ठीक है, वाटर है, उसे हम हाइड्रोस्फेयर में रखते हैं। तो पृथ्वी की सतह लगभग 70% पानी से बना हुआ है। तो यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है वो है 70% वाटर का होना। तो पृथ्वी में लगभग 70% पानी है। जल संसाधनों में महासागर, समुद्र, नदियां, झीलों, तालाब, ग्लेशियर्स, ध्रुवी बर्फ टोपी, भूजल शामिल है। लगभग 97% पानी नमकीन है और महासागरों और समुद्रों में मौजूद है। 2% बर्फ टोपी के रूप में मौजूद है और बाकी 1% ताजे पानी के रूप में मौजूद है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो परसेंटेज के ऊपर है। पहला पॉइंट तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि 70% पानी है, वो तो चलिए सबको जनरली पता है, लेकिन जहाँ इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि 97% पानी नमकीन है। एक बात तो ये क्लियर होना चाहिए, 97% जो वाटर है वो नमकीन है और महासागरों और समुद्रों में मौजूद है। 2% जो है पानी बर्फ टोपी के रूप में है, यानी जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनमें 2% को रख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये 1%। 1% जो है वो ताजे पानी के रूप में मौजूद, 1% जो है ताजे पानी के रूप में, और ये वही ताजा पानी जो हम लोग पी रहे हैं, जो हमारे साथ मौजूद है, जो हम लोग जनरली नदियों में देख रहे हैं। तो अब नदी वगैरह, तालाब वगैरह, पोखर वगैरह में जो पानी है वो विश्व का 1% है। अब सोचिए जो हमारे लिए पीने के लिए उपयुक्त तो वाटर है, जल से जो हम जल से जो जिस तरह से खींच रहे पी रहे, ये 1% पानी भी हमारे लिए इस पृथ्वी पर सारे लोगों के जीवन के लिए काफी है, जितना दृष्टिकोण से सोचा जाए। बाकी अदर सारे परसेंटेज ऑफ वाटर एज इट इज है जो एक्वेटिक जीवन के लिए है, यानी जिसमें महासागर इत्यादि और ग्लेशियर्स आते हैं, जिससे पृथ्वी के जो कंपोजिशन है वो बना हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ध्रुवों के पास पानी बहुत ठंडा है और ध्रुवीय बर्फ टोपी ग्लेशियरों और हिमशैलियों के निर्माण के लिए फ्रीज होता है। हालांकि उच्च तापमान के कारण भूमध्य रेखा में गैस में वाष्पीकरण होता है। भूमध्य रेखा मतलब समझ लीजिएगा इक्वेटोरियल रीजन, तो जो पृथ्वी है उसके जो मध्य की रेंज है, बीच की स्थिति है, ठीक है ना, तो वो इक्वेटर, ठीक है, सेंट्रल, तो इक्वेटर इसे भूमध्य रेखा, ठीक है, इसके उस पार हम शीतोष और समशीतोष्ण क्षेत्र में यानी कोल्डेस्ट रीजन में जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भूमध्य रेखा में वाष्पीकरण, भूमध्य रेखा में ज्यादा वाष्पीकरण क्यों होगा, क्योंकि सूर्य की जो किरण सीधा पहले मध्य में पड़ेगी और मध्य में ज्यादा एक प्रकार से सनलाइट आएगी, तो ज्यादा सनलाइट में तो वेपोरेशन भी ज्यादा होगा, वेपोरेशन बात ज्यादा होगा तो यही प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा, यही वर्षा ज्यादा होगी। तो इसी सब के कारण जो अफ्रीका, भारत, ये सब क्षेत्र हैं, ये भूमध्य रेखा के बेल्ट के सब सब एक प्रकार से रेंज में आते हैं, ठीक है, जहां सूर्य की रोशनी साल भर बनी रहती है और काफी तीव्र, काफी ज्यादा डेंस रहती है, काफी ज्यादा तेज रहती है, यहाँ पर वाष्पीकरण, प्रेसिपिटेशन और ज्यादा से ज्यादा वर्षा होता है। ज्यादा से ज्यादा वर्षा होने की वजह से जनसंख्या का बाहुल इस रेंज में पाया जाता है, और जनसंख्या के बाहुल, नदियों का बढ़ना, ये सब कुछ, और वनस्पति का भी खूब बड़े पैमाने पर यहाँ पे फरना देखा जाएगा। अपने ही क्षेत्र में जमे हुए पानी को क्रोमोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अपने क्षेत्र में जमे पानी। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे कल पूछूंगा भी कि क्रोमोस्फीयर का क्या मतलब होता है। तो अपने क्षेत्र में जमे हुए पानी, जैसे बर्फ पट्टियां जमी हुई हैं ग्लेशियर्स के रूप में, तो उन्हें इस प्रकार से जो पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, तो जमे हुए बर्फ को, ठीक है, पानी को एक प्रकार से पूरे एरिया को संयुक्त रूप से क्रोमोस्फीयर कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे
हाइड्रोस्फीयर में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आप पढ़ने को तो ये छोटा मोटा लेवल नहीं, बहुत डेप्थ में है, लेकिन मेन बात क्या है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना एग्जामिनेशन में हम तैयार करने के हिसाब से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोस्फीयर में बहुत कुछ हमने नहीं दिया है क्योंकि एक लिमिटेशन एग्जामिनेशन के पॉइंट से, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन चीजों को रखना है। आगे बढ़ते हैं लिथोस्फीयर, इस पर भी ज्यादा चीजें नहीं, लेकिन थोड़ा सा लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल, स्थलमंडल जिस भूमि पे हम रह रहे हैं, तो जहां जहां भूमि है वो सब कुछ लिथोस्फीयर में आएगा। पृथ्वी का ठोस घटक, इसमें तीन परतें शामिल है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट यानी ऊपर की सतह, मेंटल यानी बीच की सतह, और कोर यानी पूरा सघन अंदर जाने पर पृथ्वी के बीच में उस सतह को कहेंगे। तो सबसे अंदर की स्थिति कोर। समानता लिथोस्फीयर का मतलब पृथ्वी की कड़ी सतह होती है यानी परत होती है जिसपे हम सब लोग हैं। धरती का सबसे ऊपरी भाग ठोस है जिसमें समतल चट्टानों, खनिजों और कार्बनिक तत्वों को एक साथ मिलाया जाता है, जिसको मिट्टी के रूप में जाना जाता है। लिथोस्फीयर स्थलमंडल के अंदरूनी हिस्से में मेंटल और कोर पाया जाता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। बायोस्फीयर पे आते हैं, इसके अंतर्गत जीवित जीव आते हैं जो एक दूसरे के साथ और गैर जीवित घटकों के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। जीवित जीवों में सूक्ष्म जीवों, पौधों और जानवर सभी शामिल हैं। जीव मंडल में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्वों की बड़ी मात्रा होती है, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे अन्य आवश्यक तत्व छोटी मात्रा में मौजूद होते हैं। तो जीवित जीव इत्यादि जो भी है, जीवन के सभी तत्व, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जानवर हो, चाहे छोटे छोटे जीव हो, सब कुछ इसके अंतर्गत समाहित हो जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में कामकाज का बड़ा हिस्सा और ऊर्जा के इनपुट पर आधारित है, और पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल स्तर पर सामग्री का निरंतर पुनर्चक्रण होता है। इकोसिस्टम, अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट यही है, इसको ही टीच करूंगा। तो इकोसिस्टम क्या है मैं वहां आपको और डेप्थ में बता दूंगा। चलते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 दिख रहा है, पेज नंबर 5 ठीक है। इसमें उदाहरण के लिए हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं जो श्वसन के लिए जानवरों द्वारा श्वास लिया जाता है, जो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जारी करते हैं, रिलीज करते हैं। जीवमंडल में जीवों के बीच होने वाले अंतरक्रिया सम्मिलित है। जब एक जीव अपने स्वयं के प्रकार के सदस्यों के साथ अंतरक्रिया करता है तो यह अंतर विशिष्ट बातचीत कहलाता है, हिंदी में इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। यहां से थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो रहा है कि जैसे एक जीव अपने ही समुदाय में या अपने ही सदस्यों में इंटरैक्ट करता है, यानी एक जीव अपने जैसे जीव में बहुत सारे जीव दे सकते, जैसे कुत्ता है कुत्ते से इंटरैक्ट कर रहा है, चिड़िया चिड़िया से इंटरैक्ट कर रही है, ठीक है, मनुष्य मनुष्य से इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये डेट इज सेड टू बी इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन, यानी अपने ही समूह के अंतर्गत। अब इसी में वायरस है, वायरस से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया है इंटरैक्ट कर रहे हैं, फंगस इंटरैक्ट कर रहा है, फंगस इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये आपस में जैसे ये जीव इंटरैक्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, ये भी इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कराएगा, ठीक है। अब इनके इंटरेक्शन से भी बहुत कुछ होता है जिसको आगे यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। दूसरी ओर विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतरक्रिया, अंतर विशिष्ट अंतरक्रिया, जैसे तटस्थता, प्रतियोगिता, शिकार शिकारी रिश्तों के रूप में जाना जाता है। अब ये सारी चीजें, तटस्थता, प्रतियोगिता, शिकार शिकारी रिश्ते क्या हैं, ये आगे अभी हम लोग इसको चार्ट के रूप में समझेंगे। इसके बाद है प्रतिभागियों को अंतरक्रिया हानिकारक या फायदेमंद हो सकती है, यानी कि जो पार्टिसिपेंट हैं, यानी कि दो जीवों का मिलना। अब दो जीव कैसे मिल सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया एक इंसान का मिलना, एक वायरस और एक आदमी का मिलना, तो अब ये जो वायरस है और जो ह्यूमन है ये इंटर स्पेसिफिक हो रहा है, इंटर स्पेसिफिक नहीं हो रहा है, इंटर स्पेसिफिक हो रहा है। अभी इंटर स्पेसिफिक हो रहे हैं तो अभी वायरस और ह्यूमन इंटरैक्ट करेंगे तो अब वायरस को लाभ होगा, ह्यूमन को नुकसान होगा। इसी तरीके से एक ह्यूमन है एक जीव को इंटरैक्ट कर रहा है, सपोज करिए मुर्गी को इंटरेक्ट कर रहा है तो मुर्गी का वो नुकसान कर दे रहा है, मुर्गी वाले तो मुर्गी की समाज तो यही कहेगा ना कि हाँ भाई हम सबको मार देते हैं, इंसान बहुत खराब है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखें तो इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक
इसमें किसको होस्ट को कई बार नुकसान होता है, कई बार जो होस्ट नहीं है जिसको इंटरेक्ट कर रहे उसको नुकसान होता है। अभी इनमें कई कैटेगरी नुकसान की बनती है, ठीक है। तो इन्हीं कैटेगरीज का स्टडी अभी हम आगे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन प्रजातियों में अस्तित्व विकास प्रश्न निरंतरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब सब यहाँ पर प्रकृति में जीवों की अंतरक्रिया निम्न प्रकार से हो सकती है। यहाँ 5 कैटेगरीज मैंने निर्मित की है। मैंने क्या निर्मित की है, जनरली होता ही है, ये 5 कैटेगरीज का स्टडी शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरासिटिज्म, परजीववाद, पैरासिटिज्म, ठीक है। मैं सोचा था पहले आप लोगों से पूछूं, लेकिन चलो क्या पूछूं, टाइम ज्यादा जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को सीधा समझाता हूँ। परजीववाद, पैरासिटिज्म की बात करेंगे। इसमें एक प्रजाति परजीवी लाभान्वित होता है तो दूसरा को नुकसान पहुंचता है। अब एक प्रजाति को फायदा हो रहा है तो जो परजीवी है वो उसको फायदा हो रहा है, दूसरी स्पीसी को नुकसान हो रहा है। अब दूसरे स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, यानी जैसे आज हम कोरोना का बहुत अच्छा उदाहरण देख सकते हैं। कोरोना क्या है, एक परजीवी है। परजीवी का मतलब क्या होता है, परजीवी का मतलब बताइए आप, बताओ परजीवी। एग्जाम्पल नहीं पूछा कि परजीवी कौन है, बैक्टीरिया है, हम परजीवी का मतलब पूछ रहे हैं, जिसकी जीने का मतलब बेस किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, परजीवी जो स्वयं नहीं अपने ऊपर रह सकता, अपने जिसकी में इतनी क्षमता नहीं कि स्वयं वो जीवन जी सके, तो वो अपने आप को जीवन सुरक्षित रखने के लिए, जीने के लिए दूसरों पे आश्रित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत से लोग अपने आप नहीं है, अपने माता पिता और सब पर आश्रित हैं, ठीक है, तो एक प्रकार से आप भी परजीवी है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। जो लोग स्वयं प्रभु हैं यानी अर्न करते हैं, अपने आप चल रहे हैं, अपने ऊपर आश्रित हैं, वो परजीवी नहीं होंगे। लेकिन जो जो लोग अपने भाई जिनका सारा खर्चा भार माता पिता परिवार उठा रहा है, वो अपने आप नहीं स्टेबल है, वो एक प्रकार से परजीवी है। तो खैर आप अपने आप को बहुत बड़े परजीवी मत समझिएगा। यहाँ सृष्टि में बहुत से परजीवी हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसमें अभी कोरोना वायरस क्या है, वो अपने आप नहीं सरवाइव कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो ह्यूमन के अंदर इंटरैक्ट करेगा, उसकी मजबूरी है भाई, वो बेचारा जीव है, जीना है, इसको जरूरी है। हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब ने ही कहा ना कि बेचारा जीव है, जीना उसके लिए मजबूरी है, तो वो भी तो एक जीव है, उसको भी तो जीना है, अतः उसको जीना है तो वो हम लोगों में जी रहा है। पूर्व सीएम ने सर, नए वाले नहीं, पहले वाले, जो भी सीएम साहब न्यूज में थे उन्होंने यही कहा कि जी परजीवी है, तो यही कहा ना कि भाई कोरोना भी एक जीव है और उसको भी तो जीने का अधिकार है, तो बात तो सही है। इस प्रकार से हम कोरोना जीव है, उसको जीने का अधिकार है, इसलिए उसको जीने दे और हम सब मर जाए, ठीक है। तो देखिए जीने का अधिकार है, ये बात सही है, जीवों को जीने का अधिकार है, परंतु अगर कोई जीव खतरनाक है और उससे हमें नुकसान है, हमारे जीवन को नुकसान है, तो हमें अपने जीने के लिए उसको समाप्त करना पड़ेगा। जैसे सांप अभी आ जाए और सांप मान लीजिए क्लासरूम में छोड़िए, हम क्लासरूम में नहीं बुलाएंगे, आपके घर में बुला लेते हैं, ठीक है, आपके घर में सांप घुस जाए और अब आप क्या करेंगे, सांप आ जाएगा तो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए वो खतरनाक सांप है, अब ये लगेगा भाई कहीं चलते फिरते पैर पड़ गया तो वो अपने बचाव में ही सही आपको बाइट करेगा, काट लेगा, तो आपके लिए खतरा हो सकता है, आपके जीवन की हानि हो सकता है। ऐसे में अगर वो आपको काट लिया तो बहुत नुकसान है, अतः आप सांप को तो हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि हमें अपने आप को बचाना है। पहले हम प्रयास करेंगे उसे खदेड़ के बाहर कर दे, वो हट जाए, जिससे वो जाए अपना सुरक्षित कहीं जी ले, हमारा उद्देश्य उसको मारना नहीं बल्कि अपने आप को बचाना है, तो हम उसको पहले हटाना चाहेंगे, भाई हटो,
उसको कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से कोई टेक्नोलॉजी लगाएं या सांप पकड़ने वाले को बुलाएं जो उसको पकड़ के हटा दे सब कुछ। लेकिन जब अंतिम स्थिति होगी, अब रात के 2 बजे हुए, सांप पकड़ने वाला बाद में आएगा, पहले सांप हमें पकड़ लेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे बिस्तर के ऊपर है, बिस्तर के नीचे घुस गया, अब वहां न लेट सकते न जा सकते, और फिर कहीं वो इधर उधर सुरक्षित छिप गया तो बहुत खतरा होगा। तो अब ऐसी स्थिति में तो बस एक ही रास्ता है, आपत धर्म, आपत धर्म यानी अपने आप को बचाने का धर्म। और अपने आप को बचाने के धर्म में अगर आपको भी मारना पड़े तो हम मार लेंगे, और आप भी मार देंगे, हर व्यक्ति आपत धर्म में अपने आप को बचाने के लिए अपने मित्र को भी मार देता है। तो ये आपत धर्म के दृष्टिकोण से सांप को मारना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये जो माननीय जीव महोदय आए हैं, करोना जीव साहब, ठीक है, इनसे हमें खतरा है, इस खतरनाक जीव को खत्म करना जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है, कुछ कह रहे हैं बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए जैसे जंगल काट रहे हैं, सब कुछ कट रहा है, तो जब उनका जो आवास है जब वो सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएंगे? देखो वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, वो तो बात सही कह रहे हैं, अब जंगल है कट्टा जा रहा है, जीव वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे घर में घुसेंगे, वो सब तो सही है। पर यहाँ एक एग्जाम्पल इस बात का दिया जा रहा है कि अगर कोई खतरनाक जीव है जो हमारे लिए खतरा है तो उसके प्रति दया नहीं की जा सकती उस समय, ठीक है। अब यहाँ पर कोरोना भी इसी प्रकार से, अब मैंने कल ही बताया कि भाई जहां तक हमें लगता है कि कोरोना भी कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने भेज दिया यहाँ आ गया, ये भी प्रकृति में जो लगातार खिड़वाड़ हो रहा है, मनुष्य द्वारा विकास के तमाम क्रियाएं किए जा रहे हैं, पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से पर्यावरण पर इस प्रकार से बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से कुछ म्यूटेशन हुआ और इस प्रकार का वायरस पैदा हो गया। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं से मानव के विकास की गतिविधि में हो रहा एक रिएक्शन है, और क्या कहा जा सकता है। खैर हम चलते हैं इस टॉपिक पे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत डिटेल में समझना जरूरी है। तो पैरासिटिज्म का उदाहरण एग्जांपल दे रहा हूं, और इसमें क्या है, मैंने कहा कि एक प्रजाति को लाभ हुआ यानी जो परजीवी है उसको लाभ हो रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे प्रजाति को नुकसान हुआ। तो अगर कोई वायरस एग्जाम्पल में आपके ऊपर अटैक करता है तो वो वायरस को तो लाभ हो रहा है क्योंकि वो अपना मल्टीपल हो रहा है, उसकी फैमिली बढ़ा रहा है, उसको विकास कर रहा है, उसको भोजन कर रहा है, उसको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे शरीर को हमें नुकसान हो रहा है। तो ये एग्जांपल है परजीवीवाद का, पैरासिटिज्म। कल जब पूछूंगा ना तब इसको ध्यान से याद रखिएगा। इसके बाद कमेंसलिज्म, सहभोजिता, इस सहभागिता में यानी इस प्रकार के पार्टनरशिपिंग में, ठीक है, इस प्रकार के इंटरेक्शन में, इस सहभागिता में एक प्रजाति लाभान्वित होती है और अन्य तटस्थ होती है। तो यहाँ पे बात समझिएगा, दो इंटरेक्शन हो रहा है, एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अर्थात ना तो वह लाभान्वित हो रही है और ना ही उसे नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए एग्रेट और केटल, अब एक प्रजाति को लाभ हो रहा है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं। एग्जाम्पल के रूप में आपने मवेशी देखे होंगे, मवेशी मतलब बफेलो है, ठीक है, गाय है, अक्सर गांवों में देखिए तो वो विचरण चरण कर रही है अपना खेत में, घास वास खा रही है, अपना काम कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उनके ऊपर बैठे होते हैं और वो क्या करते हैं, उसके शरीर पे चढ़े हुए कीड़ों को खाते हैं, ठीक है। हो सकता है वो कीड़े उसके लिए खतरनाक नहीं हो क्योंकि उनकी बॉडी फर की है, मजबूत है, वो जाकर के उस कीड़े गाय को नुकसान नहीं पहुंचाने, बफलो को नुकसान नहीं पहुंचाने, लेकिन कीड़े, अब वो उस पर इन दोनों का इंटरेक्शन है ना, भाई पक्षी का और इस गाय का या इस बफलो का इंटरेक्शन हो रहा है, इस इंटरेक्शन में बफलो को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, ठीक है, लेकिन फायदा एक को हो रहा है, एक को यानी पक्षी को फायदा हो रहा है। पक्षी को क्या फायदा हो रहा है, वो अपना भोजन कर रहा है, फीडिंग कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसे इंट्रैक्शन को हम किसका उदाहरण मानेंगे, कमेंसलिज्म, सहभोजिता, ठीक है, सहभोजिता। इनमें लिखा है, देखते चलिए नोट्स, अच्छा आप लोग नोट्स ले लीजिए, पेज नंबर 5, सहभोजिता। तो इस सहभागिता में एक प्रजाति को लाभ होता है, याद कर लीजिएगा, मैं कल जब पूछूंगा ना तो आप लोग इसको तुरंत बताइएगा, मैं पूछूंगा कमेंसलिज्म क्या है। और ध्यान रखिएगा हिंदी की जगह इंग्लिश वाले वर्ड पे ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा क्योंकि इंग्लिश में ये वर्ड जो है एग्जाम में ऐसे ही के ऐसे ही आ जाता है, तब ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, याद करने में भी दिक्कत होगी, तो इंग्लिश का वर्ड याद रखिएगा। कमेंसलिज्म क्या है, जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरा तटस्थ रहता है। जबकि इससे ठीक ऊपर अगर हम पैरासिटिज्म में चलें तो एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरे को नुकसान होता है, एक को लाभ दूसरे को नुकसान, एक को लाभ और दूसरे को तटस्थता, न्यूट्रलिटी होती है। क्लियर, समझ गए ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहा हूँ अभी तो दो ही पॉइंट करा है। आ रहा हूँ एक एक पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, वो आप लोग भी करते चलो। इसमें ऐसे ना एक चार्ट बनाते चलो पैरासिटिज्म में। तब बी सेलाइन खींच लीजिए। पैरासिटिज्म से एक प्रजाति को लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए साइन बना लो प्लस, लाभ के लिए साइन हो गया प्लस, ठीक है। और दूसरी प्रजाति को नुकसान हो रहा है तो माइनस, ठीक। और अब यहाँ पर इस वाले में एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को ना ही लाभ ना ही हानि, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस के नीचे माइनस बना लीजिएगा, यहाँ बन नहीं पा रहा है, प्लस के नीचे माइनस बने तो प्लस माइनस यानी न्यूट्रल, ठीक है ना। और ये प्लस हो जाएगा तो एक प्रजाति को लाभ हुआ दूसरे को हानि, इससे समझने में आसान रहेगा। हाँ चलिए अब एमेंसलिज्म पे चलते हैं। इस सहभागिता में एक प्रजाति को नुकसान होता है तो माइनस पहले बना लीजिए, ठीक है ना। एक प्रजाति को नुकसान होता है लेकिन दूसरा तटस्थ रहता है। इस वाले में क्या है, पहले को नुकसान हो रहा है और दूसरा तटस्थ रहता है, यानी कि प्लस माइनस। अब क्लियर होता चल रहा होगा, न्यूट्रल ना खान ही ना लाभ, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हम आपसे मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये चीज है, ठीक है। अब आपको नुकसान हो रहा है, अभी बताता हूं, उदाहरण देता हूं, चिंता ना करिए। उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे हमने दिमाग में रखे हैं, बहुत मजेदार उदाहरण है, अभी बता रहा हूं। हाँ अब जब म्यूचुअलिज्म भी पढ़ लेते हैं। इस सहभागिता में दोनों प्रजाति लाभान्वित होती हैं, दोनों को प्लस कर लीजिए, हाँ प्लस और दूसरा भी प्लस। ब्रैकेट में प्लस प्लस डाल दीजिए। कंपटीशन थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन पहले इनको समझ लीजिए फिर कंपटीशन पे आते हैं। अब ये एनिमलिज्म, इस सहभागिता में एक प्रजाति को नुकसान होता है, ठीक है। हाँ एक प्रजाति को नुकसान होता है लेकिन दूसरा तटस्थ रहता है। उदाहरण पेंसिलियन बैक्टीरिया के करीब बढ़ता है लेकिन कवक अप्रभावित रहता है। अब ये तो फिर भी एक बायोलॉजिकल एग्जांपल है, ये पता ही नहीं है जिसको समझना भी मुश्किल है आपके लिए, मैं एक सामाजिक जीवन का उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ना वो एक बायोलॉजिकल उदाहरण है, मतलब बैक्टीरिया और ये कवक, बैक्टीरिया और फंगस ये सारी चीजें, लेकिन ये समझने से पहले मैं आपको इसको समझाने के लिए एक सामाजिक जगत का उदाहरण दे रहा हूँ, ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। एक प्रजाति को नुकसान होता है लेकिन दूसरा तटस्थ रहता है। अब एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गरीब दोस्त है, ठीक है, और एक रईस दोस्त है, दो अच्छे दोस्त, एक रिच फ्रेंड है एक गरीब दोस्त है, ठीक है। अब गरीब दोस्त बड़ी मुश्किल से, ठीक है,
कुछ पैसे जोड़ करके एक गिफ्ट जो है वो एक रिच फ्रेंड को देता है, ठीक है। अब रिच फ्रेंड के लिए उस गिफ्ट का कोई वैल्यू ही नहीं। मान लीजिए एक गरीब दोस्त है, उसने 200 रुपए की घड़ी बड़ी मेहनत से खरीद के ले जाके दिया, वो इमोशंस को मत देखिएगा, ठीक है ना, इकोनॉमिक वेल्थ के हिसाब से चलिएगा। और जो रिच फ्रेंड है उसके पास तो ऐसी 200 घड़ी पड़ी हुई है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पर एक को तो एक प्रकार से हानि हो रही है उससे फ्रेंडशिप रखने में, और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। ये एक उदाहरण हो सकता है, एक को हानि हो रही है दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पर अगर हम म्यूचुअलिज्म में आए तो यहाँ दो यहाँ पर क्या है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को लाभ हो रहा है। तो इसको इधर दूसरा दे रहा हूं, पहले तीसरा समझ आइए एक बार फिर से। यानी एक को हानि हुआ, इस तरह से इंटरेक्शन हुआ दो लोगों में कि एक को तो नुकसान हो रहा है दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे एक दो फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड गरीब है, एक फ्रेंड काफी रिच पीपल्स है, और एक फ्रेंड उसको लिए खर्च कर रहा है और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसका खर्च करना उसके लिए कोई वैल्यूएबल ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण से समझ लीजिए कि हाँ, इसे हम असहभोजिता में रखेंगे, एमेंसलिज्म। तो ये पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, तीनों क्लियर हो गया डाउट को। अब हम चौथे पे आते हैं, म्यूचुअलिज्म पे। इस सहभागिता में दोनों प्रजाति लाभान्वित होती है। उदाहरण लाइसेंस एंड कवक और शैवाल के बीच संबंध, जिसे हम लाइसेंस कहते हैं, और माइक्रोजाइगा जो उसमें कवक और उच्च पौधे की जड़ें होती है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों का जनरली आप जानते नहीं, पर लाइचेंस दीमक के उदाहरण होते हैं। अक्सर आप देखते होंगे दीमक जो है दीवारों पर ऐसे चढ़ जाती है। दीमक नहीं, बहुत खराब लगता है, भगवान क्या करें, दीमक मांगने वाले और टर्मिनेटर लाए, 350 रुपया का खर्च हो गया और दीमक का है नहीं, ठीक है, दीमकों को मारा जा रहा है। अब ये दीमक एक्चुअली क्या है, ये दो प्रजातियों के बीच की दोस्ती, ये कवक और शैवाल के बीच में फंगस, यहाँ पे अलगाय और फंगस की दोस्ती, अलगाय फंगस की दोस्ती क्या है। ये दोनों ऐसे जीव हैं कि एक दूसरे के बगैर नहीं जी पाएंगे, अब दोनों ही साथ ही जिएंगे, सहजीवी, अकेले वो जी ही नहीं पाएंगे इन लेचेंस की दृष्टिकोण से, इनका इनका मिश्रण। जैसे एक घर बनाएगा और एक खाना बनाना जानता है, अब इसमें एक घर बना रहा है, एक खाना बना रहा है। अब खाना बना लेगा लेकिन अकेले कहाँ, उसके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, और एक को रहने का गुणा आता है, यानी मिट्टी मिट्टी जोड़ करके वो घर बना दे रहा है, लेकिन उसको भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं आती। तो इन्होंने दोस्ती कर ली कि भाई ऐसा है कि मैं तेरे लिए घर बना देता हूँ, तू मेरे लिए खाना बना दे, चल ठीक है, मेरा भी एक उल्टा फायदा हो जाएगा कि मुझे तुझसे घर मिल जाएगा, मैं तुझे घर बना दूंगा, तू खाना दे देगा, इससे से आपस में दोस्ती। ऐसे ही माइक्रो राइजा में क्या है, माइक्रो राइजा में इसमें भी कवक और उच्च पौधे, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में कुछ कवक लग जाएगा, फंगस लग जाएगा, और उसमें क्या होगा कि वो फंगस जो है वो जड़ों को नुकसान नहीं दे रहे हैं, और वो उनके लिए फूड बन गए, वो उनके लिए फूड, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रीन जो मिट्टी से नाइट्रोजन खींच के उनको मात्रा दे रहा है और पौधों को नाइट्रोजन मिल रहा है, ठीक है। अब जनरली जो पानी होने वाले पौधे हैं उनके लिए बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि वहां मिट्टी नहीं है तो वो नाइट्रोजन चाहते हैं, तो नाइट्रोजन दे दे रहा है उसको, तो ये फंगस उसको नाइट्रोजन दे रहा है जिससे वो पौधा जिंदा हो जा रहा है, और वो पौधे की जड़ से वो भोजन पा जा रहा है जिससे वो जिंदा रह ले रहा है, तो एक दूसरे को पराश्रित है। तो नाइट्रोजन मिलना, जैसे पानी के अंदर, अभी मैं आपको इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीक का चैप्टर होगा वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर कीट भक्षी पौधे, ठीक है, बहुत बढ़िया है, कीट किस प्रकार से जो कीड़े खा के पौधे जिंदा रहते हैं, ठीक है, कीट भक्षी पौधे, तो मांसाहारी पौधे, उन पर आप कोई उनमें देखेंगे कि क्या ऐसी कंडीशन होती है जो कीड़े खाते हैं पौधे और अपना जीवन जीते हैं। तो ऐसे ही एक यहाँ पर ये भी है कि ये जैसे पानी में है, मिट्टी नहीं मिल रहा, सनलाइट तो मिल गया, पानी मिल गया, पर मिट्टी नहीं मिल रहा है, मिट्टी में नाइट्रोजन है, पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है। अब फंगस आ गया उसके पास, अब ये फंगस ने उसके क्या किया, ठीक है देखो ऐसा है, मैं जो है तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा, तो फंगस उसको नाइट्रोजन देना और वो फंगस को भोजन दे दे रहा है अपने जड़ों से। तो इस प्रकार से एक दूसरे का इंटरेक्शन से फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है। सीधा एग्जाम्पल है समाजी से पति पत्नी, ठीक है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आंसर होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी सहमति पर रहिए, ठीक है, कुछ इनको भी फायदा है, कुछ उनको भी फायदा है, ठीक है। तो भाई अकेले हमें डर लगता है, तो ठीक है, हम दो लोग हो जाते हैं, तो दो लोग रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा और दोनों लोगों की प्रकार्यात्मक अपेक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, ठीक है, अब क्लियर हो गया, ठीक है।
तो जिन्हें अकेले डर लगे वो जल्दी शादी कर ले, जिनसे उनको अकेले डर ना लगे, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ाई की तो वोट लग जाए, नहीं लगती हाँ, ऐसा डर, नहीं लगता है डर, बिल्कुल पढ़ाई नहीं पढ़ाई लगता पढ़ाई है, तो उसके बाद पढ़ाई की वोट लग जाएगी। पांचवा है कंपटीशन, प्रतिद्वंदता। जनरली आप सब लोग कंपटीशन में, ये आपको पता ही है, कंपटीशन आप सब लोग कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसे एक अंतर प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया, जिसमें एक प्रजाति की स्थिति अन्य प्रजाति की स्थिति में काफी कमतर होती है या बेहतर होती है। अब यहां पर इसको इस तरीके से समझें कि जैसे दो लोग कंपटीशन, या एक वर्ग समुदाय कंपटीशन कर रहा है, एक व्यक्ति कंपटीशन कर रहा है, तो कंपटीशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति ही जीत रहा है, लेकिन सब पूरे जैसे दो प्रजाति आए हैं और मैं जाऊं, मैं फायदा, तो एक या तो आगे जाएगा, एक का लॉस नहीं है। लॉस तब होता है जब आप कुछ खो दें, लॉस नहीं हो रहा है परंतु पिछड़ जा रहा है, एक आगे तो जा रहा है परंतु एक व्यक्ति दूसरा प्रजाति पिछड़ता है, तो एक से तुलना में पिछड़ना, तो ये तुलना में पिछड़ना है। हानि कहेंगे तब जब उसके पास से कुछ निकल जाए, और न्यूट्रल कहेंगे जब कोई नुकसान ना फायदा ना हो। तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें एक तो फायदे में चला गया पर दूसरा जो है वो उसकी तुलना में पीछे, उसकी तुलना में पीछे, फायदा या हानि नहीं उसका हुआ, समझे ना। तो एक कमतर हो जाएगा और एक बेहतर हो जाएगा ऐसी स्थिति में, जब अंडरस्टैंडिंग होती है, इंट्रैक्शन होती है जो स्पीसीज के बीच में, तो इसे हम इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र, और पहले मैं जानना चाहूंगा, इसलिए मैं आपको देखने नहीं दूंगा। चलिए पहले मैं जानना चाहूंगा, एक्सप्लेन व्हाट इज इकोसिस्टम। चलिए बोलिए, सब एकदम बढ़िया प्रेम से बैठे हैं, नील बिठा सन्ना, तो कोई टेंशन ही नहीं, नो बडी टेंशन। हाँ सर, जीव विज्ञान की ये एक शाखा है जिसमें जीवों पर पड़ने वाले पर्यावरण का प्रभाव और जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक ठीक ठीक। और बताइए सर, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनको मतलब उनकी सराउंडिंग्स के तहत कंसीडर किया जाता है कि वो सारे एक साथ हैं, वो इकोसिस्टम का पार्ट होता है, मतलब इकोसिस्टम ही वही होता है। ठीक। और सिस्टम मतलब एक व्यवस्था होती है सर, जिसमें जितने भी जीव होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से विनिमय करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं सर, ये पूरा एक मतलब व्यवस्था है प्रकृति की। हाँ गुड, अच्छा जवाब, सही। अब जनरली क्या है, एनवायरमेंट पर्यावरण को कहेंगे जिसमें हम सब लोग रह रहे हैं। अब इसमें देखिए तो ये माउस भी एनवायरमेंट हो गया, ये एक मोबाइल भी एनवायरमेंट है, पोडियम पे बैठा है पढ़ा रहा हूँ वो भी एनवायरमेंट है, कुर्सी भी एनवायरमेंट है, हमारे सामने किताबें, ये सब कुछ एनवायरमेंट, ठीक है ना। म्यूट कर दो पहले। अब यहाँ पे हर वस्तु पर्यावरण के अंतर्गत आ रहा है, पर्यावरण एक समग्र स्थिति हो गया। अब पर्यावरण में एक छोटा सा हिस्सा, यू कैन से ये इकोसिस्टम, जिस इकोसिस्टम क्या है, एक सही बात, एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत हम पर्यावरण के उन तत्वों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा जीव तंत्र बना होता है, यानी जीने की जो व्यवस्था बनाए रखने में सहयोगी पर्यावरण है। अब जीने की जिनसे व्यवस्था बनी रहे तो एक दूसरे पे आश्रितता, इंटर रिलेशन बना रहेगा इस प्रकार से कि एक है तो हम है, तुम हो तो हम है तो तुम, ठीक है तो फिर क्या करना, इस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन है। तो एक जीव अगर है तो उससे कहीं ना कहीं अन्य जीवों का आधार बना हुआ है। अब हम पूरे तंत्र में इसको अगर याद करिए, आप कभी बचपन में सोशल स्टडीज पढ़ रहे होंगे या यहाँ से क्लास थर्ड फोर्थ में, तो एक किताब रही होगी सोशल स्टडीज के, अक्सर पहले पेज पे ही रहता था रेंट पे, जिसमें एक खरगोश है घास के ऊपर टिका हुआ है, उस खरगोश के ऊपर वल्चर दिखा रहा है, वल्चर फिर ऐसे इस तरह से एक साइकिल दिखाया जाता है,
इस साइकिल के अंदर का रेशो करने का प्रयास किया जाता है कि इस पर ये आश्रित है, इस पर ये आश्रित है, इस पर ये आश्रित है, इस पर ये, और अल्टीमेटली इससे ये पूरा मैन डिपेंडेंट है। तो हम इनडायरेक्टली घास पे नहीं, इनडायरेक्टली घास से डिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं से देखें तो वो हमारे लिए भोजन क्या व्यवस्था है। अब आप कहेंगे घास तो हम डायरेक्ट नहीं खा रहे, पर घास गाय खा रही है, गाय दूध दे रही है, दूध से हमें तमाम प्रकार के मल्टीविटामिन्स मिल रहे और जिसकी वजह से हम स्वस्थ है। अब वल्चर का भी इंपॉर्टेंस है, गिद्ध का भी इंपॉर्टेंस है। अब पता चला कि गिद्ध घट रहे हैं, गिद्ध धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ये बात सही है, ये धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीसीज होती चली जा रही है और ये गिद्ध के घटना खतरे की स्थिति हो रही है। अब कहेंगे गिद्ध का घटना, गिद्ध क्या करता है, गिद्ध मरे हुए मांस को खा जाता है। मरे हुए मांस को खाने वाला जनरली उसको तो हम क्या कहेंगे हिंदी में, हाँ हाँ मतलब बहुत खराब जीव, हाँ मतलब बहुत खराब जीव है वो, प्राकृतिक अपमार्जक है। हाँ हाँ बस यही है। तो अब चीज होती है फूड चेन, वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात समझिए। तो वल्चर जो है वो धीरे धीरे घट रहे हैं। अब ये वल्चर है क्या कर रहा है, मांस खा रहा है, मरा हुआ मांस खा रहा है। तो सुन के बड़ा आ जाए आप, क्योंकि आप लोग तो मार के खाते हो एक अलग बात है, पर वो तो मरा हुआ खाता है, ठीक है वो अलग बात है। आप मार के कढ़ाइया में तल करके फिर बढ़िया सा प्लेट में लेके खाते हैं, आप और वल्चर में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये कि वो बेचारा वल्चर है और आप एक ह्यूमन वल्चर है, ठीक है। खैर आप अपने ऊपर मत दीजिएगा, आप अच्छे हैं वो गंदा है। तो कुल मिलाकर के वल्चर धीरे धीरे डेड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। अब प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं, पर्यावरण इत्यादि, पेड़ों का कटना, तमाम क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उनका रहना दुष्वर होता जा रहा है, वो डेड होते चले जा रहे हैं। अब उनके डेड होने से क्या होगा, उनके डेड होने से जो मरे जीव जंतु हैं वो उनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा या उनको कोई उनका भक्षण नहीं हो पाएगा, तो वो सड़न शुरू करेंगे। अब अगर मान लीजिए जो जीव जंतु मर जाते हैं समुद्र के किनारे, इधर उधर देखा जाए तो बहुत जंगल में, अगर इस प्रकार से सब सड़े हैं, उनका कोई खाने वाला ना रहेगा, तो वही तो विभिन्न प्रकार की कीटाणुओं का, विभिन्न प्रकार के वायरस का भी बनेंगे। परिणाम स्वरूप वो पर्यावरण में कोई ना कोई वायरस निकल कर टहलेगा और आप सबको घर पे बैठा देगा, ऑनलाइन क्लास लेने में मजबूर कर देगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखा जाए तो जीव तंत्र का हिस्सा है, तो उस गिद्ध का होना भी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन के लिए। तो वो भी अगर जीवित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम जीते रहेंगे, हमारा व्यवस्था बना रहेगा। तो जहां गाय का इंपॉर्टेंस है, वहां गिद्ध का भी इंपॉर्टेंस है, घास का भी इंपॉर्टेंस है, हर एक तत्व का इंपॉर्टेंस है सृष्टि में। धीरे धीरे ये तत्व घट जाएं तो मानव के लिए हानिकारक स्थिति, जैसे आज भले ही सब चुप बैठे हैं, सन्नाए बैठे हैं, एक भी न्यूज चैनल कुछ नहीं बोल रहा है कि पर्यावरण भी इसका कारण हो सकता है जो वायरस आया है। इससे नहीं बोलेगा, इससे नहीं बोलेगा, ना यूएनओ बोलेगा ना कोई, क्योंकि जो पापा भैया लोग बैठे हुए यूएनओ में, सिक्योरिटी बने हुए हैं, सुरक्षा काउंसिल बने हुए हैं, वही सब तो सब दुनिया को गरमाए हुए हैं। अब एनवायरमेंट की बात कोई नहीं करता है, ये सब कुछ रियलिटी में एनवायरमेंट की उपज है जो इतना पर्यावरण फैलाया, जिसके वजह से ये विषाणु और फिर आने वाले दिन में और भी डेडली वायरस बैक्टीरिया आएंगे ही आएंगे। ऐसा भी एक दिन आएगा कि हम और आप, शायद हम और आप ना डायरेक्ट कहें तो हमारे एक दो जनरेशन के बाद लेट का कपड़ा पहन के बैठे होंगे, ये भैया बाहर निकले रहे तो अल्ट्रा वायलेट किरणें जला दी इसलिए कपड़ा पहन के आए, ठीक है। तो ऐसी दुनिया आए ना, और फिर अगर ऐसे ही होगा उस दिन जो है हम लोग सबमरीन लेकर नीचे जाएंगे, समुद्र के पानी के अंदर क्लास चलाएंगे, अनुसंधान एकेडमी सबमरीन क्लासेस, ठीक है। आप लोगों को मैं वहां भी फीस दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। बिना फीस के हम काम नहीं करते, शुद्ध व्यापारी व्यक्ति है। चले आगे इकोसिस्टम के अब नोट्स पे देखिए। तो इकोसिस्टम, अब पहली बात कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये सब तो बच्चों वाली बात आपसे सुनाई समझा है, क्वेश्चंस आएगा। पहला चीज क्या है, इस शब्द को किसने दिया, शब्द को किसने गढ़ा। तो यहाँ पर इस शब्द की गणना करने का जो जाता है 1935 में आर्थर टेंसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में परिभाषित किया, तो उन्होंने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में इस शब्द को दिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1935 आर्थर टेंसले और इकोलॉजी, ये तीन शब्द याद कर लीजिए। पारिस्थितिक का तात्पर्य है स्वजीवित जीवों यानी प्रजातियों की आबादी के समुदाय को विनियमित करना, विनियमित करना मैं एक्सचेंज करना, तो इनका एक दूसरे से जो इंट्रा
स्पीशीज इंट्रैक्शन हो रहा है, ये जिससे कि इनका जीवन तंत्र बना हुआ है, ये इसके अंतर्गत ये सिस्टम ये व्यवस्था देखी जाती है। पारिस्थितिक तंत्र जीवों के एक दूसरे के बीच तथा उनके अजीवित एवं भौतिक वातावरण, उदाहरण के लिए वन पारिस्थितिकी तंत्र, महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अंतर क्रिया करना है, यानी इंटरेक्शन है इन सब चीजों के साथ। जैसे अभी वन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, तो वन धीरे धीरे घट रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। वन में जो रहने वाले जीव हैं, जैसे अभी डीके ने कहा कि वन में रहने वाले भी जीव हैं, वो सांप है जो रहता था समुद्र नदी के किनारे हैं और जंगल में है, तो जब आप नदी के टीलों पे जाके घर बनाने लगे, एकदम उनके किनारे किनारे जाके रहने लगे, जंगल काटने लगे, तो वो जीव कहाँ जाएंगे। अब जो पहाड़ों में रह रहे थे आराम से अपना घर हजारों वर्षों से बनाए हुए थे, आपने उनका घर तोड़ दिया है, अब वो भागेंगे, भाग कर वो जंगल के संकुचित दायरा में चले जाएंगे, धीरे जंगले गायब कर दोगे तो एक दिन वो मर जाएंगे, बचे कुछ आप ही के घर के आसपास इधर उधर टहलेंगे और फिर आपके लिए हानि पहुंचाएंगे, आप अपने रक्षा में उनको मारते जाओगे, हत्या करते जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवों पर की गई अन्याय है, उस प्रकार से नहीं कि कोरोना पहचान रहा है जीव, ठीक है, इस प्रकार से किया गया जीवों पर एक अन्याय है और ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, साधारण शब्दों में यह व्यवस्था जो समस्त पृथ्वी पर जीवों के संचालन तथा आवागमन के तंत्र को बनाए रखती है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाता है, ये पैराग्राफ आपको पूरा लर्न कर लेने की जरूरत है। दैट इज साधारण शब्दों में वह व्यवस्था जो समस्त पृथ्वी पर जीवों के संचालन एवं आवागमन के तंत्र को बनाए रखती है। जनरली सच सिस्टम विच maintains the cycle of living beings on earth is known as ecosystem. तो इसको याद कर लीजिएगा, कल जब मैं पूछूंगा तो टेढ़े मेढ़े वाला जवाब मत दीजिएगा, एकदम स्पष्ट वाला जवाब दीजिएगा। निवास व्यवस्था जो समस्त जीवों पर समस्त पृथ्वी पर जीवों के संचालन एवं आवागमन के तंत्र को बनाए रखती है, उस व्यवस्था को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य रूप से दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं, स्थलीय और जलीय। तो अनिवार्य रूप से दो हैं और बाकी गौण हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले अनिवार्य रूप से चलें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब स्थलीय में भी कई प्रकार हैं, तो स्थलीय में सबसे पहले वन पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि स्थल यानी भूमि, भूमि पर जो है वन पाए जाते हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें वनस्पतियों या पौधों की बहुतायत देखी जाती है, इसलिए वन पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की घनत्व काफी अधिक होती है। घनत्व का मतलब डेंसिटी, तो भाई वनस्पति बहुत ज्यादा है, बहुत वृक्ष हैं, बहुत सारे वनस्पति हैं, भरा है, जंगल है एकदम से, तो वहां पर भाई सुरक्षा के दृष्टिकोण से और रहने और संसाधन के दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर मान लीजिए एक छिपकली है तो छिपकली सर्वाइवल कब करेगी, जब कीड़े हुए होंगे, कीट होंगे। अब कीड़े कीट आपके लिए तो नुकसानदायक, छिपकली के लिए तो भोजन है, तो छिपकली वहीं तो सर्वाइव करेगी वो, फिर छिपकली और छिपकली पे जहां ज्यादा छिपकली होंगी तो वहां पे सांप के लिए भी आरामदायक है, क्योंकि सांप जो है वो छिपकली पे सर्वाइवल करेगा। अब सांप है वहां पर तमाम, फिर एलिगेटर्स भी उन्हीं के वर्ग के मिलेंगे, एक सांप दूसरे सांप को खा जाता है, हर प्रकार के भी बड़े से बड़े सांप हैं वहां पे, बड़ा जो है कहा जाए तो उसी हिसाब से परिस्थिति की तंत्र डेवलप हो जाएगा, जंगल में जीवों का घनत्व बढ़ता जाएगा, छोटे बड़े हर प्रकार के जीव होंगे, जब जीव होंगे तो उनके वंश, उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स है वो बहुत ज्यादा होगी, तो फिर जाहिर सी बात है एक बड़ा तंत्र होगा। तो इस पारिस्थितिक तंत्र में एक छोटा परिवर्तन पूरे संतुलन को प्रभावित कर सकता है। जीती बात है, मान लीजिए सांप है वो छिपकली पे आश्रित है, छिपकली कीड़ों पे आश्रित है, ठीक है, अब आप कीड़े मारने वाली दवा डाल दे रहे, मच्छर को मार दे रहे, बेचारे मच्छर जब मर जाएंगे, कीड़े मर जाएंगे, तो छिपकली भूखी रह जाएगी, और छिपकली भूखी रह जाएगी तो फिर ताइतू चिल्लाएगी, ठीक है ना, तो ताइते हम लोग को परेशान करेंगे सर। थोड़ा सा बड़े जानवर का एग्जांपल दे दीजिए, छिपकली, सांप, गुजर, मेंढक, पता नहीं क्या क्या, वो छिपकली हम लोग को परेशान करेगी वो। मैं डायनासोर का एग्जांपल दे देता हूँ, अब डायनासोर बेचारे अच्छा खासा जीवन जीते थे, चलिए निकलिए मच्छर से, छिपकली से, छिपकली के सबसे बड़े पप्पा के पास चलते डायनासोर के पास, तो
जुरासिक पार्क देखा हो ना देखा हो तो देख लेना, ठीक है, उसमें सब बताया है बाकायदे, ठीक है। तो जो डायनासोर्स थे ये काफी पहले युगों हजारों साल लाखों साल पहले पृथ्वी पे आए थे। अब ये छोटी डायना छोटे डायनासोर्स भी हुआ करते थे जो और भी विकाल विभत्सकारी विकरालकारी हुआ करते थे। तो ये सारे जीव रेप्टाइलिया ग्रुप के ही अंश थे, रेप्टाइलिया ग्रुप इनका अंश है, रेप्टाइलिया ग्रुप में ही हुआ करते थे। रेप्टाइलिया मतलब छिपकली समुदाय। अब छिपकली समुदाय में छिपकली सांप ये सारे चीज रेंगने वाले जितने जीव जंतु आते हैं, तो ये रेंगने वाले जीव जंतु धीरे धीरे इनके हाथ पैर बढ़ गए जैसी आवश्यकता पड़ी एटमॉस्फेरिक के आधार पर। भाई जीवन जैसा जीना है उस हिसाब से आप संघर्ष कहते हैं, वैसे जीव अपना संघर्ष करता है, बेचारा म्यूटेट होता है, बदलता, अपना स्वरूप बदलता है। अभी इंसानों ने मानने की कला सीख ली तो हम वायरस में बेचारा अपना क्या कर रहा है, अपना स्वरूप बदल रहा है, जीवित रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा इसलिए वो संघर्ष कर रहा है। इसी तरीके से सरीसृप युग था। अब इस रेप्टाइलिया एरा में युग में ये सारे जीव आश्रित थे, किस पर आश्रित थे, पेड़ पौधे वनस्पतियों पे आश्रित थे, जीव जंतुओं पे आश्रित थे। अब धीरे धीरे जब इनकी कमी होने लगी, अब किन कारणों से कमी हुई इसका ज्ञात नहीं क्योंकि उस समय का कोई कैमरा का फुटेज नहीं, कैमरा तो लगा था पर फुटेज नहीं, खो गया है वो, हार्ड डिस्क खराब हो गया एक्चुअली। तो उस समय जो कैमरा लगा होगा उस कार्बोनिफेरस युग जब माना जाए या टाइनोफेरस युग माना जाए, तो उस युग में किसी तरह से वनस्पतियों का घटना रहा होगा, जीव जंतुओं का मरना रहा होगा, वो हो सकता है एटमॉस्फेरिक बदलाव से हुआ हो, किसी प्रकार का कोई कॉमेट पृथ्वी के आसपास से गुजरा हो जिसने कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी कर दी हो। अब जैसे एक जो मानते हैं साइंटिस्ट इनके गुप्त होने का विलुप्त होने का वो कारण माना जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का घटना। अब आप कहेंगे ये कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, तो ये जितना वेजिटेशन आप देख रहे हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड की देन है, यानी कि जो वृक्ष हमारे साथ अगल बगल हुए फने हैं जिनसे हम जी रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की देन है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड की देन है और इससे डायनासोर्स का कैसे संबंध, देखिए डायनासोर्स बहुत लार्ज हुआ करते थे और बहुत डायनासोर्स थे जो वनस्पतियों पर आधारित थे, तो बड़े बड़े वृक्ष भी हुआ करते थे। कैसे पता, खुदाई से पता चला, क्योंकि अगर हम झारखंड में जाते हैं और कोयले का निक्षेप देखते हैं तो कोयला का मतलब है कि बहुत बड़ी बड़ी वनस्पतियां दब गई हजारों साल पहले और वो दब करके अपना स्वरूप नहीं बदल पाई, परिणाम स्वरूप वो उनका उनकी एनर्जी रिगेन है आज कोयले के रूप में। और इससे पता चलता है कि ढेर सारी वनस्पतियां एक जगह निक्षेपित हो गई। अब ये वनस्पतियां निक्षेपित सेडिमेंटेड हुई तो ये वनस्पतियों ने जीव का स्वरूप बदला। अब ये वनस्पतियां बहुत बड़ी बड़ी रही होंगी तभी तो निक्षेपित हुई, तो बड़ा बड़ी वनस्पतियां मतलब कार्बन की मात्रा बहुत अधिक रही होगी। अब वो कार्बन की मात्रा धीरे धीरे अचानक घट गई हो या धीरे धीरे घट गई हो या कोई कॉमेट पृथ्वी के आसपास से गुजरा हो, कार्बन खींच ले गया हो, रिएक्ट कर दिया हो कार्बन में, तो कार्बन की कमी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड घट गया या उसका स्वरूप या स्ट्रक्चर किसी और तरीके की चीज में बदल गया हो, ठीक है। अब ये मान सकते हैं ओजोन बाद में आया हो जिससे कि यूवी ना आती हो पृथ्वी पे, जीव बाद में आया, बहुत कुछ हो सकता है, काल्पनिक मानना है, अभी इस पर कुछ पता आता नहीं है। तो इससे वनस्पतियां घटी हो, वनस्पतियां जैसी अचानक धीरे धीरे घट गई तो ये बड़े बड़े जीव भी छोटे होते चले आए हैं। तो ही आज भी देखिए एलिगेटर है, ये डायनासोर छिपकली डायनासोर का ही तो वंशज है, वो ऑफस्प्रिंग है, बच्चा है, छोटा सा अंडा देता है, छोटा सा वो बड़ा सा देता है, इतने ही अंतर हुआ करता था। तो वनस्पतियां धीरे धीरे घट गई और इनके ऊपर आश्रितता भी धीरे धीरे घटा और ये स्वरूप बदला। तो ये उदाहरण आपको मैंने डायनासोर तक का दे दिया, बेचारा डायनासोर चला गया, आज होता तो कितना अच्छा होता, हाँ चाइना में घूमता तो चाइना में सफाई कर देता, ठीक है, एक आध डायनासोर पाकिस्तान में भेज देते, ठीक है, सब जगह अच्छे सफाई रहता, एक आध डायनासोर को बाउंड्री पे लगा देते हम लोग, ठीक है। तो इतने जो पहलवान खड़े हुए हैं बाउंड्री पे सुरक्षा रक्षा करने के लिए, जरूरत ही ना पड़ती, ये जो हम फालतू का जो मिसाइल विसाइल मंगाते कुछ नहीं, डायनासोर दड़ा देते एक मिसाइल का काम कर देता, सीधा कराची पहुंचते हुए पहुंच जाता, सीधा बीजिंग से कराची लांग देता, हमारा एक डायनासोर कितना काम करता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब जो है उनको बचा लें। तो चलिए सांप गोजर छिपकली पे वापस चलते हैं, ठीक है। तो वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र आप लोग समझ गए, बेहतर समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र उन क्षेत्रों, अब रेगिस्तान को यहाँ पे बहुत शुद्ध हिंदी में लिखना था या मरुस्थली कर लीजिएगा, तो मरुस्थल
बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी है, रेगिस्तान नहीं। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र उन क्षेत्रों में स्थित है जो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिए, एग्जाम में ना कई बार ये पूछता है कि मरुस्थल किस के दृष्टिकोण से, ठीक है, कितना सेंटीमीटर रेनफॉल जो है माना जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर एवरेज, 25 सेंटीमीटर ये वाटर गॉज से नापने के, वाटर गॉज रेन गॉज होता है जिसमें पानी का जब बारिश होता है तो बारिश की मापन होता है। तो आप साल भर जो बारिश कहीं पे हो रहा है तो उसका एवरेज निकाल लें तो उससे पता चलता है। तो जनरली क्या है कि जो वनस्पति अध्ययन वगैरह करते हैं वो निकालते हैं, अब मान लीजिए बारिश हुई साल भर में हमारे यहाँ कितनी बारिश हुई, एवरेज निकाल दिया। तो वाटर गॉज आपने रख दिया, ठीक है, एक रेन गॉज बाहर रख दिया, बारिश पानी सब जगह बराबर ही गिरेगा तो उससे पता चल जाएगा कि भाई आज 15 सेंटीमीटर बारिश हुई, अभी 10 सेंटीमीटर, किसी दिन 100 सेंटीमीटर बारिश हुई, जितना भरेगा उस हिसाब से। और फिर उसका हमने डेली रीडिंग ले लिया, ठीक है, और फिर साल भर के अंत में हमने बारिश का वो मूल्यांकन किया कि एक साल में 25 सेंटीमीटर एवरेज रेन हुआ, ठीक है। वे लगभग 17% भूमि पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखिए तो 17% भूमि पर रेगिस्तान है, तो एक पॉइंट ये मिलता है कि विश्व में कितने प्रतिशत भूमि पर रेगिस्तान है, 17% भूमि पर। बेहद उच्च तापमान, कम पानी की उपलब्धता और गहन सूर्य के प्रकाश जीव वनस्पति के कारण दुर्लभ और अल्प विकसित होते हैं। इनमें पाई जाने वाली वनस्पति मुख्य रूप से झाड़ी, झाड़ियों, कुछ घास और केकटियों होती हैं। केकटिया, केकटिया मतलब कांटेदार पत्तियां। तो कांटेदार पत्तियां जनरली फूल नहीं पाई पानी की कमी के वजह से, वो ऐठी वैठी। तो कैक्टस इसका सबसे सुंदर उदाहरण है, आप देख सकते हो कांटेदार जो निकले रहते हैं वो एक्चुअली उसकी पत्तियां ही होती हैं। पौधों की तनों और पत्तियों का रूपांतरण इसी प्रकार, इस प्रकार विकसित हो जिसमें पानी की रक्षा संभव हो सके, जैसे कांटेदार पत्तियां। तो ये पानी अपने आप में अवशोषित कर लेते हैं, कम पानी में काम करते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पशु जीवों में कीड़े, पक्षियों, ऊंट, सरीसृप, सरीसृप का मतलब रेप्टाइलिया ग्रुप, रेप्टाइलिया ग्रुप में सब छिपकली, सांप सब आएगा, ये सभी रेगिस्तान स्थितियों में स्वयं को रूपांतरित करने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं। रूपांतरित यानी कि उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अकोमोडेट कर लेते हैं, बदल लेते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। तो ये सारे जीव देखे जाते हैं। ये हुआ रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र। अब चलते हैं आगे। हाँ, ये अति इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आना है, आता ही है अक्सर, तो इसको देखते चलिएगा। ग्रास लैंड परिस्थितियां, घास के मैदान। घास के मैदान दुनिया के दोनों उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण क्षेत्रों में स्थित है। अब उष्णकटिबंधीय मैंने अभी बताया जो इक्वेटोरियल रीजन है, यानी कि पृथ्वी के बीच का सेंटर, पृथ्वी के बीच के हिस्से को उष्णकटिबंधीय कहेंगे। मतलब ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है ना, तो इस पृथ्वी भैया के ये जो इक्वेटोरियल रीजन है बीच के, तो इस बीच के हिस्से को हम क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्वेटोरियल रीजन, उष्णकटिबंधीय एरिया, पूरे एरिया यानी इधर आसपास का एरिया। अब इसी में आप देख रहे हैं कि अफ्रीका के काफी देश आते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए अफ्रीका जो है वो मरुस्थल, सहारा मरुस्थल है। फिर यहाँ पे भारत में भी थार डेजर्ट वगैरह पाए जाते हैं, तो ये क्षेत्र है समशीतोष्ण स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें पारिस्थितिकी तंत्र थोड़ा समशीतोष्ण मतलब ठंड एरिया में, कभी जो मैंने आपको दिखाया था, तो इसमें जो ऊपर के हिस्से हैं ठंड एरिया, अभी जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, तो अब ये एरिया जैसे एक प्रकार की यहाँ का बेल्ट या यहाँ का बेल्ट, ये बेल्ट क्या है, एक प्रकार से ठंड एरिया में, पोलर एरिया सर, पोलर एरिया, बिल्कुल सही समझे, पोलर एरिया ज्यादा बेटर वर्ड है। इन एरियाज में जो है इन्हें हम समशीतोष्ण कहेंगे, जहाँ ठंडी अधिक है। हालांकि इनमें पारिस्थितिकी तंत्र थोड़ा भिन्न होता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से घास वाले कुछ छोटे वृक्ष और झाड़ियां शामिल होती हैं। मुख्य वनस्पति में घास, पौधे और फलियां शामिल होती हैं। घास के मैदानों में बहुत से चराई वाले जानवर, कीटवाही, शाकाहारियों का निवास हो जाता है। तो जहां घास का मैदान है तो जाहिर सी बात है घास पे आश्रित जीव होंगे। अब गाय है,
वो खांसी खाती है, क्यों? क्योंकि भाई उसका उसके वो एटमॉस्फेयर में विकसित हुई जहां घास के मैदान थे, तो वहां पर वो घास पर आश्रित हो जाते हैं। कभी गाय बकरी मार के नहीं खा रही, कभी होता है कि कोई गाय बकरी मार के खा रही, मुर्गा लेके खा रही है प्लेट में सजा करके, नहीं, ठीक है, वो इंसान है बाकी सब कुछ कर रहा है। तो गाय एक शाकाहारी है क्योंकि वो वनस्पतियों पर जीवन उसका विकास हुआ तो वनस्पति पे आधारित है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है ये चार्ट। ये बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज ये घास के मैदान है। जैसे घास के मैदानों पे क्वेश्चन आता है, ये घास के मैदान है, सवाना, पेरीज, टपीज, वेल्ड, ये घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो ये सवाना जैसे है, ये सवाना जो है, सवाना है, सवाना नहीं, ठीक है, सवाना जो है वो अफ्रीका में पाए जाने वाला घास का मैदान है। तो मैच द फॉलोइंग में हमने देखा इसके क्वेश्चन अक्सर रहते हैं, मैच द फॉलोइंग में। इसी तरह से पेरीज कहाँ पाई जाती है, तो पेरीज उत्तर अमेरिका में पाई जाती है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। स्टेपीस घास के मैदान कहाँ है, तो मध्य यूरेशिया में है। और वेल्ड घास की दक्षिण अफ्रीका। आप कहेंगे इनका नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनकी प्रजाति डिफरेंसेस है, जैसे अधिक घनी, अधिक छोटी, बहुत बड़ी घास। अभी कैसे हुआ, एटमॉस्फेयर के हिसाब से कम ज्यादा तापमान इत्यादि के दृष्टिकोण से, कहीं पर बहुत ऐसा तापमान है जो काफी वेजिटेशन है, बारिश भी अच्छी हो रही है, ठीक है, और काफी ज्यादा मौसम भी अनुकूल है, तो घास जल्दी विकसित होगी, तो लंबे लंबे घास होंगे। अब पता चलेगा कि न्यूट्रिशन भूमि तो है लेकिन सूर्य की ताप ज्यादा है, तो महीन महीन घास होंगी, क्योंकि न्यूट्रिशन तो नीचे से मिल जा रहा है परंतु सूर्य की ताप ज्यादा है, बारिश ज्यादा नहीं हो रही है, जिसकी वजह से छोटी छोटी घास होंगी। तो इस प्रकार से घास के मैदान विकसित हुए और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग याद करिए, कल मैं ये पांचों आपसे पूछूंगा, तो तैयार रहिएगा, बचना मुश्किल है। जैसे जैसे यूनिट खत्म होते चलेगी वैसे वैसे मैटर ज्यादा होगा, जैसे जैसे मैटर ज्यादा होगा वैसे वैसे आपको याद करना पड़ेगा ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं, माउंटेन पे चलते हैं, पर्वत पे जाते हैं। हाँ, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, पहाड़ की भूमि विविध प्रकार जीवों को जीवन प्रदान करती है, जहां बड़ी संख्या में जानवर और पौधे पाए जाते हैं। हालांकि ऊंचाई पर कठोर पर्यावरणीय स्थिति सामान्य रूप से बनी रहती है और केवल वृक्षविहीन अल्पाइन वनस्पति, अल्पाइन का मतलब सूखे या कम पानी में विकसित होने वाली वनस्पतियां, जैसे आप देखते हैं कैक्टस वगैरह है, या कांटेदार जो वनस्पति होती है उन्हें हम अल्पाइन के अंतर्गत रखेंगे। तो कांटेदार कम पानी में विकसित होने वाली वनस्पतियां, जो जानवर वहां रहते हैं उनके पास सर्दियों के महीने में ठंड और हाइबरनेशन से बचाव के लिए मोटे फर कोट होते हैं। अभी हाइबरनेशन क्या है, हाइबरनेशन एक प्रक्रिया होती है जिसकी अक्सर आप देखते हैं रेप्टाइल्स ग्रुप में या ऐसे जीवों में होता है, जिसमें वो काफी लंबे समय के लिए एक तरह से सोने ही चले जाते हैं, मतलब उनके फैट्स के सारे, उनकी शरीर जो है इस प्रकार की चमड़ी है, जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड है, एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड जीवों के साथ ऐसा होता है कि उनकी शरीर एटमॉस्फेयर में तापमान के बदलने के साथ एकोमोडेट नहीं कर पाते। जैसे आप अक्सर देखते हैं छिपकलियां जो है वो छिप जाती है मौसम में, ठंड आएगी तो गायब हो जाएंगी, दिखती ही नहीं। हाँ, एकदम पता चलेगा कहीं कोई खिड़की या पुराना सामान रखवा सफाई के काली काली छिली निकल गई, ठीक है, भाग रहे छिपकली यार। अब उस छिपकली को देख के ऐसा लगता है भाई कौन है, एकदम अफ्रीकन दिखाई दे रही, ठीक है। छिपकलियां ये सब ये हाइबरनेटेड प्रोसेस में होती है। अब ये क्या होता है, इनके अंदर क्या है, गर्मी के दिनों में ये अपने अच्छा भोजन संतुलन करते हैं, इनमें एक विशेषता होती है कि फैट का संयोजन कर लेते हैं, ये अपने अंदर फैट्स भर लेते हैं यानी ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और उसके बाद जो है उनकी ऊर्जा वो धीमे 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 कई महीने तक उन्हें बिना खाए पिए भी सर्वाइव करते हैं। थोड़ा बहुत खा लिए तो खा लिए, नहीं पुणे किनारे तो सांप है, एम्फीबियंस भी ऐसा होता है, मिडक में भी जमीन के अंदर घुस गए, गड्ढे में पड़े हुए किने हुए कहीं इधर उधर टर्रा टर कर रहे हैं, फिर मौसम आता तो टर्राना शुरू कर देते हैं, बारिश आते तो निकल के बाहर टहलना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से ये हाइबरनेटेड जीव होते हैं। अब ये फर वाले जीव होते हैं, ये लोग अपने फर्स के सहारे अपने
जो बड़े बड़े बाल हैं उनसे गर्म लगता है, ये इस प्रकार की अपने आप को एकोमोडेट कर लेते हैं। तो ऐसे जीव जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलता है। निचले ढलान आमतौर पर शंकुधारी जंगलों में इससे ढके होते हैं। शंकुधारी यानी बड़े बड़े पाइन्स, अल्पाइन्स ये समझ लीजिए। मैं ड्रॉ करना पड़ता है आप लोगों के लिए, कितना डायग्राम बनाना पड़ता है। तो यूं लंबे लंबे ऐसे, अरे चिनार की तरह सर, जैसे देवदार के वृक्ष होते हैं, देवदार के वृक्ष होते लंबे लंबे होते, पतले पतले दबा सीनरी में देख सकते हैं, इतने ऐसे ऐसे लंबे लंबे होंगे। हाँ, क्रिसमस ट्री भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सीनरी में आप देखिए तो मतलब इसमें ऐसे ऐसे बड़ा ये सब नहीं निकला होगा, बस पतले पतले लंबे लंबे पेड़ होंगे, ठीक है ना। कश्मीर उश्मीर में अक्सर देखिए आप, जहाँ ठंड एरिया में होगा पर्वतों पे। अब इनका कारण क्या है, पर्वत में ऊपर जितना ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है तो ये लोग कम कार्बन डाइऑक्साइड में अपना जीवन जीना है इन्हें। अब कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता हो जानी, ये बहुत भारी गैस है, इतनी भारी है कि जमीन से चपक गई एकदम से। तो जमीन से चपक गई तो फायदा क्या है, जमीन से चपक गई तो जमीन में घास से लेकर के पेड़ तक निकल आए। लेकिन पेड़ अक्सर आप देखते हैं ज्यादा 3 मंजिल का होगा, 50 फीट 60 फीट, उसके बाद 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट, लेकिन ऐसा नहीं देखते हैं कि हाँ 10 मंजिला 20 मंजिला पेड़ उगाया होगा। रीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक लिमिटेड, नीचे ज्यादा है भारी होने के लिए ऊपर से घटा जाता है। फिर ऐसे अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ जाएंगे तो फिर वो ऊपर कम कार्बन पाया जाएगा, ऊपर कम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो फिर जाहिर सी बात है पेड़ बनेंगे भी तो ऐसे पतले पतले पत्तियां लंबी लंबी डंडे जैसे पेड़ होंगे। हाँ, चीन का पेड़, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है शंकुधारी, ठीक है, कोन शेप्ड शंकुधारी जंगल देखने को मिलेगा। यहाँ तापमान मुख्य रूप से 0 से 5 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है, ठंड का मौसम है, तापमान बहुत लो है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, अभी इक्वेटिक मतलब पानी के अंदर, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र पानी में पाए जाने वाले जीवों से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें जलीय वनस्पतियां, जीव जंतुओं, पानी की संपत्तियां शामिल है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, समुद्री और मीठे पानी। तो समुद्र का पानी और मीठा पानी, मीठा पानी का मतलब क्या हो गया, जिसमें लवणता की मात्रा कम होगी यानी साल्ट कम होंगे, जो शुद्ध पानी होगा जिसमें पीएच मान जो है वो ठीक होगा, इस प्रकार से जो खारा पानी ना हो। तो ये सारी चीजें मीठा पानी जो पीने के योग्य होता है। ये चलते हैं अब यहाँ पे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पे चलते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को समझिएगा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, एक मिनट जरा हम देखें कि कोई भागा तो नहीं है, सब लोग फोटो के साथ हैं, फोटो सबकी गायब है, तुरंत अभी मैं सबको गायब कर रहा हूँ। कहाँ गए सर, एक बार सर एक्वेटिक इकोसिस्टम एक बार फिर से वो कर दीजिएगा, डिस्प्ले कर दीजिएगा। एक्वेटिक में ही अभी हम लोग चल रहे हैं, एक्वेटिक के अंतर्गत, एक्वेटिक मतलब जल के अंतर्गत। तो जल के अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं, तो मीठा पानी और खारा पानी। तो एक्वेटिक में समुद्र के हिस्से में भी आ जाएंगे और नदियों में जो पानी है उसको भी देखेंगे, नदी तालाब में पोखर में। अब नदी तालाब पोखर में कोई वेल तो मिलेगी नहीं कि हाँ भाई आपको नदी में एक तो वेल मछली मिल रही है, बड़ी बड़ी आ रही है, और आपके घर में रोज मिलके जा डॉल्फिन आती है और हमसे मिलके जाती है, ठीक है। समुद्र में आपको मिलेंगे बड़ी बड़ी शार्क है, तो उस हिसाब से वहाँ के जीव जंतु अलग होगा। उस हिसाब से कोरल रीफ वगैरह है, तो कोरल्स है वो सब बड़े बड़े समुद्रों में मिलेंगे, नहीं क्या आपको नदी में गंगा की पिछाड़ी में मिलेंगे कोरल, ठीक है। तो ये अंतर है, तो वही उन्हीं अंतरों को। हाँ तो भैया सिमरन जी के पीपीपीपी, ये कौन पीपीपीपी है भाई, ये कौन पापी आ गया, मैं पीपीपी को रिमूव कर रहा हूँ, तुरंत अपना नाम बताए। पीपीपीपी आपको रिमूव किया जा रहा है, नाम बताइए, फोटो ऑन कीजिए, आवाज निकालिए, यानी ये गूंगे बहरे समुदाय से संबंधित है, कोई अप्रकट कोई गुप्त व्यक्ति घुस आया है ना, ठीक है। मैं 1, 2 और 3 रिमूव कर रहा हूं, रिमूव, ठीक है। एक व्यक्ति अभी आपने देखा रिमूव हो गया है, आपके सामने एक व्यक्ति का गर्दन काट दिया गया है, बाकी लोग
ध्यान रखिएगा, ये एक एग्जाम्पल था, आप लोग अगर अपना फोटो गायब करेंगे तो सर सुकून से रहने नहीं देते। ठीक ठीक ठीक, सुकून से नहीं रहने देंगे। क्लास भैया क्लास में काहे सुकून से रहोगे, एकदम चैतन्य अवस्था आपके साथ ऐसे सामने आपने बैठी है, लगे ओरिजिनल क्लास, ओरिजिनल क्लास। वही जान लीजिए मैं जो पढ़ा रहा रिपीटेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है, मैं हम बार बार रिविजन नहीं करा सकते, इसे सब लोग रेगुलर रहिए। और जो लोग अब नहीं आ रहे उनको आपसे अगर संपर्क की हो तो संपर्क कर दीजिए कि भैया दोबारा रिवीजन नहीं होगा। हाँ ये मत सोचिएगा कि सर फिर आगे पढ़ा देंगे, नोट्स बात थमाएंगे लेकिन रीड करते रहना, समझाएं समझाएंगे नहीं। और नोट्स पढ़ने में क्या आता है और कितना समझ और इसमें कितना समझ आप जानते ही हैं। ठीक है अर्चना आ जाओ नहीं तुम भी गायब हो जाओगी। चलिए नोट्स पे चल रहे हैं जल्दी से, आज भी कवर करना है। कुछ नहीं चल, अब चलते हैं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मैरीन इकोसिस्टम, समुद्र में समुद्री पारिस्थितिकी सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी की सतह के लगभग 71% को कवर करता है। 71% समुद्र है, अब आप समझ सकते हैं समुद्र ही समुद्र है पृथ्वी में। ठीक है तो हम लोग जो है जमीन में जितना हम ले रहे सब समुद्र में जा करके क्या फायदा, समुद्र में सस्ती जमीन मिलेगी। ठीक है मकान वहीं जाके बनाते हैं, हम भी सोच रहे हैं या सिविल लाइन बहुत महंगी है, एक में जोड़ लाते हैं कि कोचिंग की स्थान कुछ 400 गज है जिसमें हम रह रहे हैं, तो 400 गज जो है वो कम से कम सिविल लाइन के रेट के हिसाब से 4 करोड़ के आसपास, इतना बड़ा बनवाऊं तो भी 2-2.5 करोड़ रुपए। नहीं सर ज्यादा है, ज्यादा है सर, और है ना और क्या सर, कम से कम 2 लाख रुपए गज से कम। हाँ 2 लाख यानी 8 करोड़ रुपए की जगह लिया हूँ, तो 8 करोड़ रुपए की जगह लिया हूँ तो किराया देना ही पड़ेगा। अब कोचिंग जाए कोरोना की वजह से बंद हो तो भी किराया देना पड़े, बच्चे आए ना तो भी किराया देना, क्या बताए भैया बहुत किराया देना पड़ रहा है। बाकी अब जो लोग समझदार है वो समझ जाए, ठीक है ना आगे बढ़ जाए। तो इसमें से क्लास की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, सब सब रिकॉर्डिंग हो रही है पूरा, हम अपना वीडियो बना रहे हैं बढ़िया वाला, ठीक है ना आपको बिल्कुल शहनाई नहीं बजाते हुए वीडियो रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड वाला बड़ा गंदा है सर, पता है क्यों? हाँ बाद में बात करेंगे। चलिए सर रिकॉर्ड वाला सिस्टम भी बताया कि लड़के क्या सर, लड़के घर वाले कपड़े पहन के सर पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग तो सर स्टैंडर्डाइजेशन में जी रहे हैं, आप तो बेवकूफ। अच्छा ये बात तो सही है भैया, ऐसा है कि सब लोग बढ़िया से तैयार होके आया करें, एकदम शिवानी की तरह तैयार होके बैठिए आप लोग। सर मेकअप करके बैठे कहिए तो सब लोग घर वाले कहेंगे पागल हो गए हैं ये लोग। नहीं बिल्कुल पागल चैलेंज है मैडम, उसको भी ट्राई कर सकती है। सर आप लोग ऐसे ही अच्छे लगते हैं सर, हमें जरूरत नहीं है सर यूट्यूब में डाल सर। शिवानी मैम ने सही कहा है की हाँ सर 6 बज गया पढ़ाइए या तो फिर बंद कर दीजिए, आप कोई भी हो पर्सनल। आई एग्री विद वेद भाई साहब, एक्चुअली सर कुल मिलाकर वीडियो आना चाहिए चाहे मेकअप किया हो और बगैर फ्रेश वाटर पारिस्थितिकी तंत्र। समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली के विपरीत मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र में पृथ्वी की सतह का केवल 0.8% हिस्सा होता है जो कुल पानी का 0.009% होता है। अच्छा ये इकोसिस्टम की प्रमुख मैंने डिफरेंसेस बताया, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो पानी से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन के रूप में आते हैं तो उनको हम लोग जरा देखेंगे। सबसे पहले लेंटिक क्या होता है, तो लेंटिक क्या है, धीमी गति से चलने वाले पानी के क्षेत्र जैसे कुंड झीले या तालाब, तो इनको हम लेंटिक कहते हैं। लेंटिक का मतलब धीमे धीमे इसमें पानी बदलता रहता है, तो जैसे तालाब है उसमें पानी का बहुत ज्यादा भाव नहीं होगा, कोई कुंड है तो उसमें पानी का बहुत ज्यादा आदान प्रदान नहीं होगा, स्थिर वाटर ज्यादा रहेगा। इसी तरह से लोटिक जिसमें पानी तेज गतिशीलता से बढ़े जैसे कि नदियों में या नदियों जैसे कोई और संरचना है तो पानी वहाँ तीव्र गति से बदल रहा है, तो ठीक है तो नदी के पानी में बड़े तीव्र गति से बदलाव होता है तो फास्ट मूविंग वाटर्स। इसके बाद जलीय भूभाग, तो उस स्थान में जिसकी मिट्टी कुछ लंबे समय तक बाढ़ के लिए बाढ़ से संतृप्त होती है, ये वेटलैंड्स पूछा भी गया है एक बार एग्जाम में, वेटलैंड्स क्या होते हैं, तो वेटलैंड्स जैसे दलदल भूमि, तो दलदल भूमि जहाँ पर काफी समय से कीचड़ जैसा वातावरण है, पानी है तो मिट्टी के साथ सना हुआ है, अब ऐसा हो गया है कि पानी और मिट्टी एक हो गया है और पानी जमीन भूमि द्वारा अवशोषण करना बंद कर दिया, एब्जॉर्बेशन ही नहीं हो पा रहा है, पानी और मिट्टी का एक जलाव हो गया है तो वो दलदल, तो ऐसे भाग को वेटलैंड्स कहते हैं। ठीक है
खींच ही नहीं पाएगा, पर पानी जमीन मिट्टी वहां के संतृप्त हो गई है। अब एकदम अगर मिट्टी संतृप्त हो गई तो अब पानी बैठेगा ही, पानी ऊपर ही ऊपर है, धीरे धीरे पानी और मिट्टी होकर के एकदम कीचड़ जैसा इस ऐसे एरिया को वेटलैंड कहते हैं। तो ऐसा कछार के किनारे बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ वेटलैंड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद प्रोफाउंडल, प्रोफाउंडल वर्ड इस्तेमाल करते हैं गहरा या निचला पानी के लिए, तो डीप बॉटम वाटर, तो काफी डेप्थ वाले जो काफी गहरे पानी वाले क्षेत्र होते हैं उनको प्रोफाउंडल कहते हैं। इसके बाद ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वेटलैंड तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए कि ये वेटलैंड इंपॉर्टेंट है, एस्चुरीज इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ, ये तीन पूछे गए हैं, पूछे तो सभी गए हैं लेकिन तीन पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। सबसे पहले एस्चुरीज को, ये आंशिक रूप से तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ हिस्सा जहां नदी का पानी समुद्र के पानी के साथ मिश्रित तो होता है, तो नदी के पानी सब आए और समुद्र के पर आकर उसके मुहाने पे पानी सारा नदी पे गिरा, तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ, गल्फ ऑफ, ठीक है ना, तो जो खाड़ी होती है, ठीक है, वहां पे आप देखिए कि सभी जगह की नदियां खाल से आकर के पानी एक साथ गिरा रही है। अब बंगाल की खाड़ी क्या, उधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, सब उधर हिमालय से ढेर सारा पानी लेकर के, इधर से खाल पूरा यूपी का जा रहा है उधर, ठीक है, तो यूपी से जमुना गंगा, इधर एमपी का भी जो इंडस की नदियां, इधर की नदियां एमपी से इटावा से जो नदियां आ रही हैं उनका पानी ये सब उठाकर अभी जैसे इलाहाबाद में संगम होकर आगे बढ़ते 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 सब जाकर के सब कहाँ गिर रहा है, समुद्र में गिर रहा है। तो जहाँ जिस मुहाने पर समुद्र से मिलती है, यानी नदियों का जो मुहाना समुद्र में मिलता है, ठीक है, उस क्षेत्र को एस्चुरीज कहते हैं। अभी क्या होता है, यहाँ पर पानी ही पानी पूरे तरीके से रहेगा, दलदली कीचड़ी पानी, इस तरीके से ये विशेष प्रकार के जंगल विकसित हो जाते हैं जिसमें सुंदर वन, बंगाल में विकसित सुंदर वन, और वहां पे मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट और सुंदर वन, मैनग्रोव फॉरेस्ट, वहां पे मैनग्रोव जो है विशेष प्रकार की प्रजाति के फल है जो कि सिर्फ और सिर्फ यही पाए जाते हैं विश्व ये एस्चुरीज में, इस एस्चुरीज में, तो इसे कहेंगे एस्चुरीज, ठीक है। आगे देखिए कोरल रीफ्स, कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी के अंदर बनी बड़ी संरचना है जो समुद्री अकशेरुकीय जंतुओं के कंकाल से बनी होती है। तो कोरल रीफ जनरली क्या है कि ये एक ऐसा जीव है, हिंदी में को इसको अकशेरुकी कहेंगे, इंग्लिश में कोरल अकशेरुकी कहेंगे और इंग्लिश में कोरल, ये एक ऐसा जीव है जिसकी बैकबोन बहुत मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है मतलब गजब का कैल्शियम पावर है कि वो हजारों साल तक पानी में, समुद्र के खारे पानी में भी नहीं गलेगा, इतनी जबरदस्त बैकबोन लेके ये कोरल पैदा होता है। तो ये अब ये जीव जो है, मान लीजिए केकड़ा है, इस प्रकार का जीव मर गया, मरेंगे तो है समुद्र में है तो समुद्र में मरेंगे, मर के इनकी जितने रीफ्स हैं वो एक जगह कलेक्ट कलेक्ट और इनमें रीफ में इस प्रकार से रेशम की जुड़ जाते हैं, धीरे-धीरे जुड़ जाते हैं, जो पत्थर जैसा शुरू धीरे-धीरे, अभी कलेक्शन होते होते एक जगह काफी बड़े पैमाने पे जुड़ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। पता ये चलता है कि अगर दो द्वीप हैं, ठीक है, तो दो द्वीप के बीच में एक पट्टी बन जाएगी। अब ऐसा कहाँ होगा, ऐसा होगा जो बड़े महासागर हैं उनके बीच में अगर दो द्वीप हैं, तो महासागर का एक का पानी ऐसे बहाव मार रहा है, एक का पानी ऐसे बहाव मार रहा है, तो रीफ बहकर इधर आगे किनारे, इधर आगे किनारे, और ऐसे पहाड़ जैसा विकसित हो गया, तो दोनों द्वीप के बीच में रोड बन गई। अब ये रोड राम सेतु का एग्जाम्पल हमारे सामने, पाक स्ट्रेट। अब इसको एक स्केच मैप से देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्केच मैप बना रखा है, ये देखिए आपके सामने इमेज। अब ये क्या है कि यहाँ पर ये कोरल समुद्र के किनारे इकट्ठा हो, अब ये धीरे धीरे एक जमाव होता चला, परिणाम स्वरूप अगर यहाँ साइड में इधर कोई द्वीप है, सपोज करिए कि कोई द्वीप यहाँ पर है, यहाँ कोई द्वीप है, तो अब ये द्वीप धीरे धीरे अगर ये कोरल बढ़ जाएगा, तो अगर ऐसे ही पट्टा रहा और कोरल पट जाए और कोरल यहाँ पर विकसित हो जाए, यहाँ पर और कोरल विकसित हो जाए, तो धीरे धीरे पता चलेगा
ये स्पेस भर जाएगा और इस द्वीप से इसका नाता जुड़ जाएगा। अब ये मान लीजिए ये द्वीप श्रीलंका है, समझिए ये द्वीप श्रीलंका है और ये भारत। अब पता चलेगा कि ये जो आप देख रहे हैं पठार, ये वास्तव में आज हमारे सामने जो पाकिस्तान राम सेतु जिसे हम कहते हैं वो यही कोरल रीफ का बना हुआ है। सर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। और दूसरी बात सर वो हाँ। पत्थर से बना, और सर इस पे अभी कोई कोई एक मत नहीं है कि सर वो किस चीज से बना, इसलिए कोई ओपिनियन बनाना अच्छी बात नहीं इस पे। कौन बोल रहे हैं सर? ठीक है भैया बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, फिलहाल देखिए अभी जहां तक जो इंफॉर्मेशन साइंटिफिकली है कि ये कोरल रीफ के बेड्स हैं। सर क्या दूसरी तरफ का जो पक्ष है, दूसरा पक्ष वो भी अवैज्ञानिक नहीं है सर? है ना, मैं राम सेतु पर नहीं जा रहा हूँ, मतलब ईश्वर की सर ओपिनियन बना रहे हैं ना सर। कोरल रीफ से निर्मित है ये कोरल रीफ से ही निर्मित है, इसका जो इसमें जो जमाव है वो कोरल रीफ का है, ये तो स्पष्ट है। कोई इस पे कोई रिसर्च ऐसी नहीं हुई है जिसको सब लोग मान लें, इसलिए अभी इस पे कोई एक ओपिनियन। फिलहाल जो चलिए फिलहाल जो अभी तक अध्ययन में हमने पाया उसमें लिखा हुआ है कि कोरल रीफ पर निर्मित है। ठीक, अब इसको आगे और रिसर्च कर लिया जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा, अगर कुछ और चेंजेस होगा तो बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आज के लिए खत्म करते हैं सर, 6 बज गया, टाइम हो गया है। ठीक है, तो आप अभी निकल लीजिए, हम अभी 10-5 मिनट और पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी टॉपिक कंप्लीट करना है तो ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, और मैं आपके इस मैटर को रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, तो आप का छूट भी जाएगा तो आप आफ्टर क्लास रिकॉर्डिंग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरल रीफ अभी मैंने आपको बताया, तो इस प्रकार से ये अकशेरुकी जंतु हैं जिनकी जमाव से विश्व में देखा गया कई स्थानों पर। अब विश्व में कई स्थानों पर इसको कोरल रीफ की बड़े बड़े पठार पहाड़ देखे गए। हाँ, ये आप देख सकते हैं विकिपीडिया पर दिया हुआ है, ये पूरा मैरिन सिस्टम एक कोरल है और इनके ही तत्व जुड़ करके कोरल रीफ को निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये कई प्रकार से इसकी फोटोज दिया है, तो इसमें टाइप्स ऑफ रीफ को भी दिया है, और ये जैसे द्वीप है मालदीव्स के पास, यहाँ पर कोरल से बेड स्थित हुआ है। ये वो क्षेत्र है विश्व का जहाँ कोरल रीफ देखे जा सकते हैं, तो ये माना जाता है कि यह एरिया कोरल रीफ से जुड़ा हुआ है। आपको दिख रहा होगा नक्शे में, दिख रहा है ना, तो इसी आधार पर जो यहाँ वैज्ञानिक सिद्धांत दिया हुआ है, इस आधार पर अगर हम देखें तो ये जोन में कोरल रीफ है, और यहाँ पर जो है भारत और श्रीलंका के बीच में काफी बड़े पैमाने पर कोरल रीफ का जमाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बाकी अब इस मैटर को फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक दो पॉइंट कई नोट्स में है, साधारण सा, कई प्रकार के जीव समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली में रहते हैं, भूरा शैवाल, कोरल, सेल्फोडोडस, इकोडोनोडन, डाइनोफैलेग्रेट, लेटस शार्क इत्यादि। तो ये कुछ एग्जांपल्स केवल एक्वाटिक प्राणियों का हमने ले लिया। इसके बाद एक पेज और है, बस इसके इम्पोर्टेंस पे चर्चा कर लूंगा जिसपे एक टॉपिक खत्म हो जाए, फिर नया टॉपिक आपको नेक्स्ट वीक में पढ़ाऊंगा, बहुत टाइम टेकन नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, तो अभी तक जितना बताया उससे तो आपको इसके महत्व जरा काफी समय में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक मैटर छोटा सा। पारिस्थितिकी तंत्र पूरे ग्रह में संतुलन रखने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। पशु और अन्य जीवन स्वरूप केवल तब ही विकसित हो सकते हैं यदि उनके पारिस्थितिकी तंत्र एक पूर्ण रूप से संपन्न हो, और मनुष्य का जीवन पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवन पर निर्भर है। हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र को अलग अलग प्रणालियों के रूप में माना जा सकता है, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और यदि एक पारिस्थितिकी तंत्र विनष्ट होना शुरू हो जाता है
तो इसका प्रभाव दुनिया भर के अन्य पारिस्थितिकी प्रणालियों में देखने को मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व के 6 कारण स्पष्ट किए गए हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। पहला, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, यानी जैव यानी जीवन के बहुत से विविध जीव तंत्रों का संयुक्त हुआ। उद्विकास के लिए, उद्विकास यानी धीरे धीरे जो मंद गति से विकास होता है उसे हम उद्विकास कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र अगर बना रहेगा तो मनुष्य का उद्विकास है, जीवों का उद्विकास है, धीरे धीरे क्रम में होता रहेगा। अंतर संयोजात्मकता इंटरकनेक्टेडनेस यानी एक दूसरे से इंटर रिलेशन है, भाई बना हुआ है, जैसे घास से हमारा रिलेशन है ये बना रहेगा, घास ही खत्म हो जाएंगी तो हमारे लिए पनीर खत्म समझिए, क्योंकि गाय ही नहीं रह जाएगी तो पनीर क्या, दूध क्या, हम पनीर दूध को भूल जाए। तो अगर घास देखे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अभी एटम बम गिर जाए, अब एटम बम गिर जाएगा तो वहां पर इतनी रेडिएशन फैलेंगे कि घास पनपना बंद हो जाएगी, घास पनपना बंद हो जाएगा तो गाय जो है वो घास नहीं खाएगी, और गाय घास नहीं खाएगी तो पता चलेगा कि वो मांस नहीं खाएगी, और मांस ना खाएगी तो मर जाएगी। तो गाय मर जाएगी तो हमारे पास दूध दही मक्खन इत्यादि घट जाएगा, दूध दही मक्खन घट जाएगा तो हमारे अंदर का प्रोटीन घट जाएगा और फिर हम कमजोर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे पर। आत्मनिर्भरता सेल्फ सफिशिएंसी भी बनी रहती है, क्योंकि अगर ये तंत्र बना रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे तो हम अपने आप पर अपने आप को सबल बनाए रखेंगे। पर्यावरण के संचालन में, पर्यावरण के रेगुलेशन में भी, और खाद और ईंधन के स्रोत के रूप में भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है, पारिस्थितिकी तंत्र सरीसृप उभयचर, उभयचर यानी जो दोनों जगह विचरण कर सके, भूमि पर एज वेल एज पानी में। जैसे फ्रॉग, तो मेंढक क्या है, पानी पे भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है। दुनिया की 41% मछली की प्रजातियां वास करती है, तो इस पारिस्थितिकी तंत्र में 41% मछली भी है। तेजी से बढ़ते अशांत जल में आमतौर पर ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है, जो पूलों में धीमी गति से चलने वाले पानी की तुलना में अधिक जैव विविधता से युक्त होती है। तो जो चलता हुआ जल है यानी बदलता हुआ पानी, वहां पे देखा गया कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसकी मात्रा अधिक होती है, इसलिए वहां पर जीव जंतु ज्यादा पनपते हैं, जबकि जो नदी या एक तालाब इत्यादि की जो पानी है वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लेस होता है, इसलिए वहां जीव जंतु कम होते हैं। ठीक है, ये एक चैप्टर आज खत्म होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, अब नेक्स्ट वीक आपका बुधवार को क्लास चलेगी, और मंगलवार को अगर ये देखता हूँ कि नोट्स पॉसिबली हो पाया, क्योंकि मंगल को ही फर्स्ट है तो सीधा फर्स्ट को खुलेगा अगर सब कुछ, तो फर्स्ट को फोटोकॉपी हो पाया तो ठीक है, नहीं तो आपसे नेक्स्ट वीक तक मैं आपको अरेंज करूंगा, सैटरडे वगैरह से आपको प्रोवाइड हो पाएगा। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीक तक अगला फिर अगला टॉपिक है जी, अभी यूनिट नहीं खत्म हुई है, ये यूनिट तो अभी शुरू हुई है। ये यूनिट में अभी मैंने एक दो चैप्टर पढ़ाया, एक चैप्टर तो मैंने एनवायरनमेंट मीनिंग कंपोनेंट्स बताया, और एक चैप्टर आज इकोसिस्टम बताया। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, दैट इज कीट भक्षी पौधे, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये अगला चैप्टर होगा एनवायरनमेंट में। सर, आपने जो शुरू में हमें रीजनिंग में जो अरिस्टोटल मेथड कोई कितना पढ़ाया, ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर, खुश रहिए।